सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जुलाई 2019 को खत्म होगा, जहां पर भारतीय टीम अपना पहला मैच वर्ल्ड कप 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी 5 जून 2019 को। तो वहीं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भारतीय टीम को खेलना है वर्ल्ड कप 2019 में, जो कि काफी टक्कर, काफी रोमांचक का मुकाबला होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप 2019 जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी कि 50-50 ओवरों का होगा, जिसमें टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और सभी 10 टीमों के बीच टोटल 48 मैचेस खेले जाएंगे। तो गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं भारतीय टीम के पूरे 15 खिलाड़ियों के टीम स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि एक कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़ी ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। और वहीं इस ऐप की खास बात यह भी है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। तो खेलो, जीतो और पैसे कमाओ। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए। अगर हम बात के नंबर एक की, तो नंबर एक पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, टीम इंडिया के वाइस कैप्टन, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज हैं। वहीं अगर हम बात के नंबर दो की, तो नंबर दो पर होंगे शिखर धवन, टीम इंडिया के जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज। वहीं इसके बाद नंबर तीन पर होंगे विराट कोहली, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन। अब अगर हम बात के नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे अंबाती रायडू, टीम इंडिया के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि इन्होंने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है और वर्ल्ड कप 2019 में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। वहीं अगर हम बात के नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, टीम इंडिया के जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, और ये भारतीय टीम में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 में, जो कि इनके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ ही इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वहीं अगर हम बात के नंबर छह की, तो नंबर छह पर होंगे दिनेश कार्तिक। दोस्तों ये रहे भारतीय टीम के छह प्रॉपर बैट्समैन। अब दोस्तों अगर हम बात के नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे केदार जाधव, टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर, जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं और इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात के नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे हार्दिक पांड्या, टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर, जो कि ये फास्ट बॉलिंग के साथ साथ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अब अगर हम बात के नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर रविंद्र जडेजा या फिर विजय शंकर, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी शामिल होगा भारतीय टीम के स्क्वाड में वर्ल्ड कप 2019 के लिए। अब अगर हम बात के नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे जीवेंद्र चहल, टीम इंडिया के बेहतरीन लेग स्पिनर। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे कुलदीप यादव, टीम इंडिया के बेहतरीन चाइना मैन स्पिनर, जो कि इन दोनों की जोड़ी कमाल की है और इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टीम इंडिया के चार प्रॉपर फास्ट बॉलरों के बारे में, तो नंबर 12 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार, टीम इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर। वहीं इसके बाद नंबर 13 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर। दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 14 की, तो नंबर 14 पर होंगे मोहम्मद शमी, टीम इंडिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर और इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात के नंबर 15 की, तो नंबर 15 पर होंगे खलील अहमद या फिर उमेश यादव, इन दोनों में से किसी एक को टीम में शामिल किया जाएगा वर्ल्ड कप 2019 के लिए। दोस्तों ये भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि इन्हीं 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया के जबरदस्त यंग विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया जा सकता है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि इनके भी चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर अभी बहस छिड़ी हुई है कि इन्हें वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ये भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों का प्रोबेबल टीम स्क्वाड है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें कि किस किस खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए वर्ल्ड कप 2019 के लिए। आपके हिसाब से विजय शंकर या फिर जडेजा, इन दोनों में से किस खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहिए।
तो वहीं खलील अहमद या फिर उमेश यादव, इन दोनों में से किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करना चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वहीं क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके पास लगातार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए।